नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, और मैं मॉडल, दूरदर्शन आकाशवाणी अनाउंसर, और इसी के साथ साथ मैंने बहुत इंटरनेशनल और नेशनल शोज भी किए हैं। लेकिन इस लॉकडाउन के समय में, जब घर में लोग बैठे हैं और एक भयंकर संक्रमण महामारी में परेशान हो रहे हैं और तनाव में ग्रसित हैं, और उनको डिप्रेशन की हो रहा है कि मैं घर में क्या करूं, और एज ए मॉडल मैं भी घर में बैठी हूँ, लेकिन मैंने सोचा क्यों ना मैं जो हूँ एक नया काम करूँ, और हमारे साथ जितने भी हमारी फ्रेंड्स हैं, दोस्त हैं, मेरे मिलने वाले हैं, और मैं उनके लिए भी कुछ ना कुछ कर रही हूँ। घर से बैठ के बहुत काम कर रही हूँ, तो इस लॉकडाउन के समय पर मैंने काफ़ी लॉकडाउन के जो है वीडियोस बनाए हैं। लेकिन अब ये एक शॉर्ट मूवी है, इसमें एक माँ और बेटी की कहानी है कि वो लॉकडाउन में है और बेटी कुछ ना कुछ नया मांगती है, और माँ रोज़ रोज़ कहाँ से देगी। माँ को कितनी एक परेशानी होती है वो नई चीज़, जबकि मॉल बंद है, हर चीज़ बंद है, सामान मिल नहीं पा रहा है, और घर के अंदर वो लोग बैठे हैं तो कैसे देंगे। इसी को सोचकर मैंने अपनी ही किसी दिल्ली के एक्टर को इसमें लिया है, और मुझे आशा है कि आप लोग समझेंगे कि एक छोटे बच्चे को घर में कैसे जो है वो समझाया जाता है कि अभी कुछ नहीं मिल सकता और अभी सामान भी नहीं मिल रहा है, और लॉकडाउन में छोटे बच्चों के साथ क्या प्रॉब्लम पेरेंट्स को फेस करनी पड़ती है, उसी पर आधारित मेरी एक छोटी सी शॉर्ट मूवी है। और इसी के साथ थैंक यू चित्रा जौहरी। ओह प्रांशी, तुमने तो मुझे परेशान ही करके रख दिया है। कभी फ्रूटी दे दो, कभी चिप्स दे दो, कभी चॉकलेट दे दो, मैं अकेले क्या क्या करूं। एक तो मेड भी नहीं आ रही है, घर का सारा काम मुझे करना पड़ता है। बर्तन करो, सफाई करो, खाना बनाओ, तुम्हारी नई नई डिमांड, समोसा बनाओ, डोसा बनाओ। ऊपर से ये तुम्हारे पापा, उनसे बोलो थोड़ा सा हेल्प करा दो, तो बोलते हैं कि मैं वर्क फ्रॉम होम कर रहा हूँ, वर्क फॉर होम नहीं कर रहा हूँ। मैं अकेले क्या क्या करूँ, तुम दोनों ने तो मुझे पागल करके रख दिया है। जाओ यहाँ से। प्रांशी हाय मामा। बेटा जरा फ्रिज से टमाटर निकाल के दे देना। ओके मामा। थैंक यू बेटा। मामा आज क्या बन रहा है? आज तो बेटा मैंने आलू की सब्जी बनाई है। तो मामा आज हमसे डोसा खा। बेटा आज तो मैंने आलू की सब्जी बना दी, लेकिन प्रॉमिस कल मैं आपके लिए डोसा बना दूँ, ठीक है? थैंक यू मामा। चलो जाओ, अब जाके खेलो। क्या हुआ बेटा, आप इतनी उदास क्यों बैठी हो? कुछ नहीं मॉम, मैं घर पे बैठे बैठे बोर हो रही हूँ। ना मैं खेलने जा सकती हूँ, ना मैं मॉल जा सकती हूँ। तो क्या हुआ बेटा, अगर आप बाहर खेलने नहीं जा सकती, आपके इतने सारे टॉयज हैं ना, आप घर पर खेलो। और रही बात बाहर जाने की, तो बस थोड़े दिनों की बात है, ये लॉकडाउन खुल जाने दो, उसके बाद हम आपको मॉल क्या बहुत सारी जगह घुमाने लेके जाएंगे। ओके? और पता है बेटा, आपको इस वक्त हमारा घर पर रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि बाहर ये बहुत खतरनाक बीमारी फैली हुई है जिसका नाम कोरोना वायरस है। आपको पता है ये बीमारी एक दूसरे से फैलती है, इसीलिए तो हमारे रेस्पेक्टेड पीएम मोदी जी ने बोला है कि घर पर रहो, सुरक्षित रहो। पर मॉम, हम इससे बच कैसे सकते हैं? बेटा इस बीमारी से बचना बहुत ही आसान है, बस हमें कुछ जरूरी चीजों का ध्यान रखना चाहिए।
हमें घर पर रहकर हर थोड़ी देर में अपने हाथ साबुन से धोने चाहिए या फिर सैनिटाइजर का यूज करना चाहिए। और अगर हमें कभी बाहर जाना पड़े तो हमें बिना फेस मास्क लगाए नहीं जाना चाहिए। तो आप सबसे भी मैं यही कहना चाहूंगी कि जान है तो जहान है, घर पर रहो, सुरक्षित रहो। थैंक्स टू माय डायरेक्टर मिसेस चित्रा जोरी जी, जिन्होंने मुझे ये मौका दिया आप सब तक ये मैसेज पहुंचाने का। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मेरा नाम अंशु वर्मा है। मैं इस वीडियो के द्वारा मिसेस चित्रा जोरी को हार्दिक रूप से धन्यवाद देना चाहूंगी। मैं आप सबको बताना चाहूंगी कि वो न केवल एक मॉडल बल्कि सोशल वर्कर भी है। उन्होंने नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर काफी काम किया है। आज जब लॉकडाउन के समय पर हम लोग सब घर पे खाली बैठे हैं, क्या करते हैं? खाना बनाते हैं, खाना खाते हैं, झाड़ू पोछा बर्तन यही सब तो कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने हम सबके बारे में सोचा, न केवल मेरे बारे में बल्कि जितने उनके सारे कॉन्टेक्ट्स हैं उन सबके बारे में सोचा, मॉडल्स वगैरह। वो वीडियोस बना रही हैं और इन वीडियोस में हम सबको परफॉर्म करने का मौका दे रही हैं और इन वीडियोस के द्वारा देश भर में नए नए संदेश पहुंचा रही हैं। तो थैंक्स टू मिसेस चित्रा जोरी जी, जिन्होंने न केवल हमें परफॉर्म करने का मौका दिया बल्कि हमें भी देश भर में कुछ नया करने का मौका दिया। थैंक यू सो मच।